वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिंग भाई ने कुर्ता क्यों डाला हुआ है? आज दिवाली नहीं है, फिंग भाई ने कुर्ता इसलिए डाला क्योंकि फिंग भाई इस वीडियो शूट के बाद जाएंगे एक शादी में। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे मेरे को पिक करने शादी में जाने के लिए और वो अभी 1.5 घंटा लेट है। आज तक किसी को देखा है किसी के दोस्तों को ऐसे 1.5 घंटा लेट होते हुए? नहीं। तो वो 1.5 घंटे लेट है ना, आई वाज लाइक कि भाई 1.5 घंटे में एक फिंग एक्स्ट्रा की वीडियो तो मैं शूट कर ही सकता हूँ। तो रेडिट पे हो गए हैं 248K मेंबर्स और देखते हैं कि तुम लोगों ने क्या मीम्स डाले। If you don't love your spouse, your neighbor will. If you don't love your employee, your competitor will. If you do what you have studied, you will survive. But if you do what you have not studied, you will be the leader. In medical field, no one opens the syringe before the patient opens the purse. For every successful man, the wife becomes the secretary. And for every failed man, the secretary becomes the wife. ओ भाई, इतने सारे लोगों को जिनको मैं जानता हूँ उनको डिस कराया ना भाई अभी इस बंदे ने। आइडियाज आर लाइक स्पर्म्स, ओनली 1 in a million वर्क्स। फॉर जॉब एवरीबडी वांट्स एक्सपीरियंस्ड बट दे ओनली गेट फ्रेशर्स, बट फॉर मैरिज फ्रेशर्स टिकते हैं ना। एक्सपीरियंस लोग जॉब छोड़ के कहीं और नौकरी करने लग जाते हैं। जिन लोगों को समझ आ गया एक बार अपने लिए ताली बजा लो। When did you lose your virginity? Wow. Give me an honest answer. What? Yeah, bloody give me an answer. Show me your hand. Mother, when are you getting married is my next question. Did he say ma? Mother, when are you getting married is my next question. Tension क्या हो रहा है, ये कहाँ पहुँच चुका है हमारा समाज? मैंने सिद्ध कर दिया ना कि ये समाज दोगला है, नामर्द है। ये कैसी बातें पूछी जा रही है, बदतमीजी कहते हैं इसे। अपने बेटे से पूछ रहे वर्जिनिटी कब लूज करी, बेटा पूछ रहा माँ आप शादी कब करोगे। मेरे को ये पूरे इंटरव्यू का लिंक चाहिए। अंदर से आदमी कैसा हूं मैं, नीच गलीच पागल रिटार्डेड खोखला शैलो। टाइटल नहीं यसु देख है। मेरे घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। मेरे यसु तूने भरा फॉर्म? जी पापा जी। तूने भरा फॉर्म? फॉर्म भरा आपने? जी पापा जी। फॉर्म भरा? जी पापा जी। आप ही हो वो। मेरे यसु जी देखो लड़की का बाल है। तैयारी करो, तैयारी करो। कोई काटे तो ऐसे काटे भाई साहब। सबसे लिट पता है इस पूरे शो में, इट्स नॉट यसु जी, इट्स अ बैकग्राउंड सिंगर। एक बार सुनना वो बीच में गाने लगता फिर रुक जाता है। मेरे घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। मेरे यसु जी भरा फॉर्म? वो रुक गया बीच में भाई, वो रुक गया। फॉर्म भरा? जी पापा जी। आप ही हो वो। मेरे ये आप ही हो वो, आपकी गवर्नमेंट जॉब। भाई अगर ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब के पेपर क्लियर करके आ रहे हैं ना नौकरी लेने, भाई फिर तो गया देश। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इट्स ऑफिशियल, नॉट इनफ सेक्स कैन किल यू। गाइज इट्स ऑफिशियल, फिंग भाई ज्यादा दिन के नहीं है। जितनी भी अफवाहें हैं कि फिंग भाई प्लेयर है, ओ भाई साहब फिंग भाई पे बहुत सारी लड़कियां हैं, ना भाई उनमें से कुछ ट्रू नहीं है। मेरे से ज्यादा सेक्सलेस इंसान कोई नहीं है, ठीक है, और मैं जल्द ही मरने वालों। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। फ्रेंड है, बैचमेट है मेरी, वो आई थी गुड़गांव वाले फ्लैट में मेरे, और वो ये सब बोल रही थी कि रात को 1 बजे बोल रहे हैं कि यार पार्टी करने चलते हैं, क्लबिंग करने चलते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं यार बहुत लेट हो गया है, अभी नहीं हो पाएगा। एंड वो ना अड़ी रही, उसने बोला नहीं नहीं चलते हैं, जाना पड़ेगा हम लोग को। मैंने बोला मैं तो नहीं जा रहा हूँ, कह रही मैं अकेले जा रही हूँ। तो मैंने बोला यार अकेले मत जाओ, मतलब तुम एटलीस्ट पेपर स्प्रे रख लो अपने साथ। तो वो ना बिल्कुल मेरे पे ऐसे हो गए कि यार पेपर स्प्रे मतलब पागल हो गया क्या, पेपर स्प्रे ऐसे चलाओ खुद की आंखों में चले जा रहे हैं। लड़की भाई। तो मैंने बोला यार तुम कुछ सीख लो ना फिर, ऐसे कराटे वराटे जाके तुम ऐसे रात को क्लबिंग करनी हो तो खुद का ऐसे डिफेंस सेल्फ डिफेंस कर पाओ। कह रहे अरे मदर यार सामने वाला गोली दिखा गया, मैं कराटे करूंगा उसके सामने। तो जा मत ना। मैंने बोला फिर और क्या बोलूं, और क्या बोलता भाई मैं उस टाइम पे, मेरी बात ही नहीं सुन रही थी भाई वो। मैं हंसना चाहता हूँ इस जोक पे बट मैं हंसूंगा नहीं। मैंने बोला फिर और क्या बोलूं, और क्या बोलता भाई मैं उस टाइम पे। ऑडियंस भी नहीं हंस पा रही भाई, ऑडियंस भी नहीं हंस पा रही इस जोक पे। उनको वहाँ शो में बैठे हुए जहाँ पे उनको पता है कि शायद कोई हमारी शक्ल रिकॉर्ड कर रहा है, वो हंस ही नहीं पा रहे भाई। उनको इस चीज का ब्लेम लेना नहीं कि वो ऐसे जोक पे हंसे। मेरे
जिम में ऐसी कोई आए ना, मैं नहीं कर पाऊँ वर्कआउट भाई। मैं फिर वैसा हूँ ट्रेडमिल पे भागते भागते गिर रहा है, क्यों? क्योंकि ध्यान उधर था भाई। व्हाट भाई, कितनी मेहनत करी है इस लड़की ने भाई अपने ऊपर भाई साहब, व्हाट द ऐसी एक बार मिल जाए बस। मैन विल बी मैन, बस एक बार। नाउडेज किड्स नेम आयुष, ओके, ध्रुव, मैं जानता हूं ऐसे एक ध्रुव को, आर्यन, शशांत। 90s किड्स नेम कालीचरण, मूंगेलाल, झुग्गीलाल, डाकू मंगल सिंह, थोर, शेर सिंह। सो ट्रू भाई, पुराने नाम कितने भाई, पुराने नाम कितने सॉलिड होते थे भाई। घनश्याम, राधेश्याम भाई, क्या फाड़ नाम होते थे भाई पहले। अब छोटे छोटे नाम कर दिया, वो पावर नहीं रही नामों में भाई, पहले होते थे। अब स्टाइलिश नाम हो गए, जेंजी हो गए ना सारे। जेड से नाम रखना है, एक्स से नाम रखना है, अजीबोगरीब नाम रखने हैं, तो ये चल रहा है। बट भाई ये चीज पे मैं एग्री करता हूँ, 90s में नाम फाड़ होते थे। ये कॉकरोच किस क्लास में पढ़ाते थे भाई? बट भाई तुम इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हो, उसने ड्राइंग अच्छी बनाई है। एब्डोमिनल माइंड, गिट में डाल दिया माइंड, क्या बात है, गिट में माइंड है। मैं ये सोचा जब इसका टीचर इसको देखेगा वो कितना कंफ्यूज्ड होगा कि ये क्या बनाया बच्चे ने, क्या कर रहे हैं यार तू। डार्क साइड ऑफ बिजनेस, ओहो, यूरोपियन बच्चों के लिए इसमें कोई चीनी नहीं डालेगी, ये इंडियन बच्चों के लिए इसमें भर के चीनी डाल दो, एक बार चीनी की लत लगी तो हमसे बैठो सप्लायर नहीं। ओके सर। अरे अरे सर, वो हम फंस गए सर, लोगों को चीनी वाले स्कैम के बारे में पता चल गया सर, अब तो हम सबको जेल में डाल देंगे सर, लोगों प्रोडक्ट बॉयकॉट कर देंगे। ये चूतिया कंपनी में नया आया क्या? इससे बड़े बड़े काम कर चुके, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया सर। आई अपोलोजाइज, मैं समझाता हूँ। अभी साले इतने साल तक हमने पूरे देश को लेड से भरे हुए हार्मफुल टॉक्सिक नूडल्स बेचे थे, पकड़े गए थे ना, तो क्या हुआ सर? कुछ नहीं, लोग भूल गए। उससे भी पहले जब आरोप लगे थे कि हमारी चॉकलेट चाइल्ड लेबर से बनते हैं, तब क्या किया लोगों ने? क्या हो सर? कुछ नहीं, Nobody gave a fuck, लोग भूल गए। गलत तो हो रहा है। उठो ने जगीरों दा। Sad confession of a topper, I wish I was a number one. मतलब कि यूपी में फर्स्ट टाइम आई तो थोड़ा सा तो मतलब कि वायरल हुआ, बट हमारे जो शारीरिक बनावट है उसके लिए मतलब कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई वीडियो। लोग कमेंट करने लगे तो दो तीन दिन तो बहुत ट्रेंडिंग में होने लगी कि ये कैसी लड़की है और इसके हेयर्स पे मुंह पर हेयर्स बहुत सारे हैं, उसकी वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई मैं। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर एक दो कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। मतलब कि इतना हेयर्स के लिए मुझे कमेंट ट्रोल किया गया। यार उसके हंसी थी ना बीच में, उसमें भी दर्द था, उसमें भी ना एक दर्द था भाई। लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया कि भाई कि अब वो विश कर रही है उसने टॉप ही नहीं करा होता, कि उसने कभी इतनी मेहनत ही नहीं करी होती और इतनी फाड़ चीज कभी अचीव ही ना करी होती। तुम देख रहे हो भाई बुलिंग क्या क्या कर देती है। हम इन्फ्लुएंसर लोग हैं ना भाई, हमें तो गालियां पड़ती रहती है, ठीक है, हमें भी दर्द होता है, लेकिन हमने उसे इग्नोर करना सीख लिया। लेकिन जो इंसान ऐसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर नहीं है, क्रिएटर नहीं है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है जब पूरा इंटरनेट तुम्हें ट्रोल करने लगता है। तो भाई मत करो यार ये, कम ऑन, ठीक है, समरिया। हैड अ बैड डे एट वर्क, ओके, now he looks like he's, oh now, oh gosh, oh my gosh, if he executes this maneuver from the top rope, oh and he just jacked his jaw with a forearm, what is this, what is this, Charade getting on the top floor in the high rank district, here he goes, crossing himself, oh! भाई तुम पागल हो गया, रेडिट पे क्या डालने लग गए हो, ये क्या है? How girls act the day before ripping your heart out. Es que no quiero estar sin ti, para olvidar otro genes. मेरी ना बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ऐसे मीम ना डालने बंद कर दो जिनसे मेरे को रिलेट होता है, प्लीज ये मीम डालना बंद कर दो, ठीक है। मेरी बंदी जिसने मेरा काटा था ना वो एकदम ऐसी दिखती थी और साला वो ऐसी खाती थी मेरे पैसों का। आपको अपनी स्टफिंग दिखाती हूँ वड़ा पाव की, ये है वड़ा पाव, ये देखो, ये स्टफिंग है, ये मेरी टिक्की और ये मेरी अच्छी मेरी तरह मिर्च, मतलब ये आपकी तरह ही हॉट है मैडम, खाने में बहुत मजा आती है। अच्छा, हाँ कभी खाया तुमने? हाँ लास्ट टाइम खाया था, लेकिन अच्छा खा लो ना। आपके कस्टमर आ गया, मैं कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। हाय, तो भैया आप कितने टाइम से खा रहे हैं? आप डेली आता हूँ, डेली आते हो, दोनों टाइम खाते हो सुबह शाम?
मैडम के बड़ा पाव कैसे लगते हैं? एक्सक्यूज मी, मैडम के बड़ा पाओ नहीं, बन के बड़ा पाओ। क्यों कैसे मैडम के बड़ा पाओ, मैम के बड़ा पाओ? मैं कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करा, थोड़ा सा अपने कस्टमर पे अटेंड कर सकते हैं। मिक्स तो डाल दो, बहन कहाँ आ चुके हम? छी भाई ग्रोस। फिर ये लड़कियाँ चीखती हैं, हमारा बयान नहीं हो रहा, हमारा बयान नहीं हो रहा। फिर यही लड़कियाँ वो रील बना रही होती हैं, भाई ये हमारी बेटी है, हम जो इससे शादी करेंगे हम उसे 20 लाख रुपए देंगे, वो वाली रील ही बना रहे होते हैं, क्योंकि इनसे फिर कोई बात नहीं करता, ऐसी रील बना लेती है। यार लड़कियों को क्यों नहीं समझ आता कि फेमस होने के लिए कुछ भी मत करो यार, प्लीज। तुम्हें पता नहीं फ्यूचर में कितना रिग्रेट करने वाला तुम इन चीजों को। सो गाइस भाई आज थोड़ा ना मेरा मूड खराब हो गया लास्ट वाला देख के यार, हट जी यार। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, ठीक है? सारे अपना ध्यान रखो, ठीक है? बढ़िया से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त की शादी में, अब मैं वहां जाके खाऊंगा कुल्फी, ठीक है? तो सारे अपना ध्यान रखो, ठीक है? फिंगो को सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय। मेरी आंखों से तू देख जरा खुद को पे।